हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में गाइस मैं आपको मंत्र कफ नाशक सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये सिरप आपकी बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देती है, इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस और डोज, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे। तो गाइस मंत्र आयुर्वेदिक जो कफ सिरप है वो जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई गई आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक दवा है जो मार्केट में आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, जिसका उपयोग गाइस आपके एलर्जिक कफ, खांसी, जुकाम या फिर गले में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो उस स्थिति में ये सिरप काम में लाई जाती है। अगर आपके छाती में तकलीफ है, जैसे कि आपके फेफड़ों में बहुत ही ज़्यादा कफ जमा हो गया है, तो उसे निकालने के लिए ये सिरप काम में लाई जाती है, जो कफ का नाश करने में मदद करती है। इसके अंदर गाइस जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, सारे औषधीय तत्व मिलाए जाते हैं, सारे प्राकृतिक तत्व मिलाए जाते हैं जो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि आपके कफ, खांसी, जुकाम जैसी समस्या को दूर करते हैं। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर गाइस इंग्रेडिएंट के रूप में मुख्य रूप से मुलैठी और पिपरमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कफ, जुकाम जैसी समस्या को दूर करने के लिए। और गाइस ये दवा जो है वो 100% हर्बल है, 100% एल्कोहल फ्री है, इसमें बिल्कुल भी एल्कोहल नहीं मिलाया गया है जो आपको कोई दिक्कत कर सके, सूखी खांसी हो या फिर किसी भी प्रकार की खांसी हो उसको ठीक करने में मदद करती है। इसका डोज ये है गाइस, अगर आप एडल्ट हो या फिर आप किसी बड़े को देना चाहते हैं तो 2 चम्मच आपको डेली इसका इस्तेमाल करना है, बच्चों को ओनली 1 चम्मच सेवन कराना है, या फिर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि कितना डोज देना है कितना नहीं देना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फ़ायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो होम्योपैथिक दवाई हो या फिर एलोपैथिक। हालांकि गाइस आयुर्वेदिक दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं, इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन ना करें। कोई भी दवा का सेवन करने से पहले एक बार गाइस इंग्रेडिएंट चेक कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो आपको शायद एलर्जी करती हों, इसीलिए हम आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की सलाह देते हैं। आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो गाइस ये मार्केट में भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप पे आपको मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन भी अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, सस्ता अफोर्डेबल लगे वहाँ से आप खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं तो गाइस आपको ऑनलाइन ख़रीदने के लिए ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन ही आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती है। फिर भी गाइस अगर आपको ये दवा, ये मेडिसिन आपको बाई चांस नहीं मिल रही हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर की हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सस्ती अफोर्डेबल है, 74 रुपीज़ इसका प्राइस है और अच्छे डिस्काउंट में भी आपको मिल जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। पर याद रखें, डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन ना करें, खुराक से ज़्यादा मात्रा में ना लें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।